फिफ्थ के स्टूडेंट ध्यान देंगे लेसन टू में केयरफुली, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 14 पार्ट 10। आज मैं आप लोगों को फेम्ड कैथेड्रल, चर्चित गिरजाघरों के बारे में अहम जानकारी देंगे। नंबर 1 नोट्रे डेम द पेरिस। नंबर 2 निडारोस कैथेड्रल। नंबर 3 सांता मारिया डेल फायोरे। नंबर 4 कैथेड्रल नोट्रे डेम द चार्ट्रेस। अब बारी बारी से इनके बारे में विस्तार से हम बताएंगे, तो आप लोग पेज नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे और सही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे। ए कैथेड्रल इज ए वेरी लार्ज यूजुअली स्टोन बिल्डिंग फॉर क्रिश्चियन वर्शिप। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्च ऑफ ए डायोस, ए डिस्ट्रिक्ट अंडर द केयर ऑफ ए क्रिश्चियन बिशप। एक कैथेड्रल जो होता है, एक गिरजाघर, बहुत आमतौर पर प्रायः पत्थरों से बना हुआ ईसाइयों के लिए पूजा स्थल का भवन है, इमारत है। यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण एक सूबे का चर्च होता है। सूबा जो डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में कई खूबसूरत गिरजाघर हैं और उनमें से कुछ के बारे में जाने सीखें। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल कैथेड्रल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। नंबर 1 नोट्रे डेम द पेरिस। नोट्रे डेम द पेरिस इज वाइडली कंसिडर्ड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच गोथिक आर्किटेक्चर इन फ्रांस एंड इन यूरोप, एंड द नेचुरलिज्म ऑफ इट्स स्कल्पचर एंड स्टेन ग्लास आर इन कंट्रास्ट विथ अर्लियर रोमनिक आर्किटेक्चर। इट वाज एमंग द फर्स्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड टू यूज द फ्लाइंग बटरस आर्च एक्सटीरियर सपोर्ट्स। ये जो नंबर 1 नोट्रे डेम द पेरिस के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि नोट्रे डेम द पेरिस फ्रांस में मध्यकालीन कैथोलिक चर्च है। कैथेड्रल को अर्थात गिरजाघर को फ्रेंच गोथिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। रिब वॉल्ट और फ्लाइंग बट्रेस इसकी विशाल और रंगीन गुलाबी कांच के लिए कांच की खिड़कियां और इसके मूर्तिकला सजावट की प्रकृति के लिए विश्व में विख्यात है। नेक्स्ट निडारोस कैथेड्रल। निडारोस कैथेड्रल वाज बिल्ट अराउंड 1300। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रोमनिक एंड गोथिक स्टाइल कैथेड्रल। इट इज द लार्जेस्ट कैथेड्रल इन नॉर्वे एंड इज रिगार्डेड बोथ एज ए नेशनल थ्रीन एंड एज ए कोरोनेशन चर्च। सेकेंड जो निडारोस गिरजाघर 1300 ईस्वी के आसपास बना था, यह रोमनी और गोथिक शैली का गिरजाघर है। यह सबसे बड़ा गिरजाघर नॉर्वे देश में और दोनों के लिए यह राष्ट्रीय मंदिर और राज तिलक चर्च के रूप में भी माना जाता है। नंबर 3 सांता मेरिया डेल
5 और द डायमेंशन ऑफ सांता मारिया डेल फायोर द कैथेड्रल ऑफ फ्लोरेंस आर एनॉर्मस 502 फीट लॉन्ग 124 फीट वाइड एंड 295 फीट एट द क्रॉसिंग द हाइट ऑफ द आर्च इन द एराइज एसले इज एन अमेजिंग 75 फीट एंड द हाइट फ्रॉम पेवन टू द ओपनिंग ऑफ लैंटर्न इन द डोम इज ऑलमोस्ट 295 फीट टॉल। सांता मारिया के बारे में कहा जाता है कि यह इसकी विमाएं विशाल है, 502 फीट लंबा, 102 फीट चौड़ा और 295 फीट चौराहा, पर गलियारे के मेहराब की ऊंचाई गजब का 75 फीट है और फुटपाथ से ऊंचाई 75 फीट से गुंबद में जहां लाल टेन जलता है की ऊंचाई 295 फीट लंबा है। नेक्स्ट नंबर 4 कैथेड्रल नोट्रे ड्रम द चार्ट्रेस द मेजोरिटी ऑफ ओरिजिनल स्टेन ग्लास विंडो ऑफ द कैथेड्रल नोट ड्रम द चार्ट्रेस फ्रांस सर्वाइव इंटैक्ट व्हाइल द आर्किटेक्चर हैज बीन सीन ओनली मिनोर चेंजेज सिंस द अर्ली 13 सेंचुरी इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेंच हाई गोथिक स्टाइल। इसके बारे में कहा जाता है फ्रांस के चार्ट्रोस में एक रोमन कैथोलिक चर्च है जिसमें मूल रूप से रंगीन कांच की खिड़कियों की प्रधानता है जो अपने सौंदर्य गरिमा को आज तक बरकरार रखे हुए है, जबकि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ हल्के बदलाव किए गए थे। इसे फ्रेंच उच्च गोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। वेनाइस के बच्चों।